हाय फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। आज बनेंगे कुछ स्पेशल डेजर्ट मैंगो कस्टर्ड। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 130 ग्राम चीनी, मीठा तो आपके हिसाब से ले लेना, और 1 मीडियम साइज़ के आम। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने आम और चीनी को पेस्ट बना लिया और ठंडा दूध से हमने कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया। अब हम दूध उबालेंगे। हमने दूध में उबाला गया, अब हम कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे। धीरे धीरे डालेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाते जाएंगे, नहीं तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। इसे 2 मिनट बॉईल होने के बाद हम मैंगो चीनी का जो पेस्ट बनाया था उसे हम डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कंटिन्यू हमने चलाते जाना है। देखिए 2 मिनट हो गया, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। इसे हम ढककर फ्रिज में 2 घंटा रखेंगे। 2 घंटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। देखिए कितना क्रीमी हो गया। मैं इसे हमें दूसरा बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस ऊपर में मलाई जम गया तो हम थोड़ा इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने मैंगो को एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया, थोड़ा से पल्प रखा हल्का से, क्योंकि मुंह पे थोड़ा पल्प आ जाए तो बड़ी अच्छी लगे। इस तरह हमने सारे बोल में निकल लेते हैं। अब हमें इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। इस तरह हम गार्निश। ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी। देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना टेस्टी है। तो आप इस तरह बनाइए और आपका सुझाव मेरे कमेंट में बताइए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।